चलिए देखिएगा, हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और मोर देन टू सिक्योरिटीज को एक एग्जांपल से कवर अप करेंगे। एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 6 पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं, यानी मोर देन टू सिक्योरिटीज या पोर्टफोलियो का केस बन गया। इन सब की रिटर्न दी हुई है और इन सब के आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं। इसने सबसे पहला क्वेश्चन भी यही पूछा है कि बताएं विच पोर्टफोलियो आउट ऑफ द अबव आर एफिशिएंट, कि इनमें से कौन कौन से पोर्टफोलियो एफिशिएंट हैं। इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई एफिशिएंट पोर्टफोलियो देन वी हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो लिखेंगे रूल ऑफ प्रिंसिपल में पहला रूल, लिखें एनी पोर्टफोलियो प्रोवाइडिंग सिमिलर रिटर्न, एनी पोर्टफोलियो प्रोवाइडिंग सिमिलर रिटर्न एट हायर लेवल ऑफ रिस्क, सिमिलर रिटर्न एट हायर लेवल ऑफ रिस्क इन कंपैरिजन टू अदर कॉमा देन सच पोर्टफोलियो विल बी कंसीडर्ड एज इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो। will be considered as inefficient portfolio, hence eliminate. Now देखें जरा ध्यान से इस एग्जाम्पल में, अब डाल लें अपनी कॉपी में पेज नंबर 6 पर एक एग्जाम्पल है। नहीं, नोट्स में है ही एग्जाम्पल, पेज नंबर 6 पर, नंबरिंग नहीं है, पेज नंबर 6 पर एग्जाम्पल एक। Now, बिल्कुल ध्यान से देखिए रूल क्या लिखवाया मैंने आपको, रूल पढ़े वापस से। अगर कोई भी सिक्योरिटी सिमिलर रिटर्न देती है किसी दूसरी सिक्योरिटी से लेकिन उसका जो रिस्क लेवल है वो हाई है, क्या आपको यहां पर कोई ऐसी सिक्योरिटी नजर आ रही है जो सिमिलर रिटर्न दे रही हो? P1 और P5 ये दोनों सिमिलर रिटर्न दे रही है। अब इनका रिस्क लेवल चेक करो, P1 का रिस्क लेवल है 8 और P5 का रिस्क लेवल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P5 है वो रिटर्न तो सेम दे रहा है बट हायर लेवल ऑफ रिस्क पर दे रहा है, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में वो बेकार है। जब मेरे पास दो ऐसे सिक्योरिटीज हैं जो रिटर्न सेम दे रही हैं, तो मैं कौन से को चुनूंगा जो कम रिस्क पर सिमिलर रिटर्न दे? तो लिखें फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दे देंगे, पोर्टफोलियो P1 एंड P5 प्रोवाइड सिमिलर रिटर्न, पोर्टफोलियो P1 एंड P5 प्रोवाइड सिमिलर रिटर्न बट P5 हैविंग हायर रिस्क लेवल, बट P5 हैविंग हायर रिस्क लेवल Hence considered as inefficient. यह आपका पहला प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगेगा। रूल टू लिखें, इफ एनी सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो provide less return, any security or portfolio provide less return at similar level of risk
then such portfolio is inefficient portfolio. Then such portfolio is inefficient portfolio. चलिए देखें, क्या कोई ऐसे पोर्टफोलियो नजर आ रहे हैं जिनका रिस्क लेवल सिमिलर है? रिस्क लेवल सिमिलर देखें, P1, P2, P3 तीनों की रिस्क इक्वल है. अब जब सिमिलर रिस्क पर ये काम कर रहे हैं तो रिटर्न देखें जरा इनकी, तो P2 और P3 सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क पर कम रिटर्न दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू P1, तो ये दोनों मेरे इनएफिशिएंट हो गए, इनमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा. समझो, जब रिस्क लेवल सेम है तो मैं कम रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि रिस्क तो तीनों में इक्वल कमानी पड़ रही है. तो मैं उन पोर्टफोलियो को बाहर कर दूंगा जो कि सेम रिस्क लेवल पर क्या दे रहे हैं, कम रिटर्न दे रहे हैं. तो लिखें, पोर्टफोलियो P2 एंड P3 प्रोवाइड लेस रिटर्न. पोर्टफोलियो P2 एंड P3 प्रोवाइड लेस रिटर्न. प्रोवाइड लेस रिटर्न इन कंपैरिजन टू P1 एट सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क. In comparison to P1 at similar level of risk. Hence these are to be considered as inefficient. इसलिए P2 और P3 को क्या कर दिया जाएगा, इनएफिशियंट मान लिया जाएगा. तो ये आपका प्रिंसिपल का डोमिनेंस ऑफ प्रिंसिपल का रूल नंबर 2 बनेगा. इससे भी कुछ बाहर हो गए. अब थर्ड रूल लिखें, रूल 3, इफ एनी पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी प्रोवाइड If any portfolio or security provide less return at higher level of risk, then such portfolio will be considered as inefficient. Such portfolio will be considered as inefficient. And must be eliminated. समझना, रूल 3 क्या बोल रहा है? एक पोर्टफोलियो रिटर्न भी कम दे रहा है और उसका जो रिस्क लेवल है वो हाई है. तो अगर हाई रिस्क पर कम रिटर्न है तो वो तो पोर्टफोलियो वैसे ही बेकार है. जरा कंपेयर करें जो बचे हुए हैं उनमें. आपने किन किन को बाहर कर दिया अभी तक? P2 बाहर हो गया, P3 बाहर हो गया और P5 बाहर हो गया. तो अब 3 बचे. इन तीनों में कंपेयर करके देखें तो देखिए, अगर आप P4 में देखते हैं तो P4 और P6 को जरा कंपेयर करें, क्या दिखाई दे रहा है? देखो, P6 के कंपैरिजन में P4 में रिस्क ज्यादा है और रिटर्न क्या है, कम है. तो अगेन ये पोर्टफोलियो क्या हो गया, P4 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो बनेगा. तो लिख दें, पोर्टफोलियो P4 provide less return. Portfolio P4 provide less return at higher level of risk. Provide less return
at higher level of risk in comparison to P6. In comparison to P6, hence P4 is considered as inefficient. Hence P4 is considered as inefficient and must be eliminated. Now, अब हमने अपने तीनों रूल अप्लाई कर दिए. अब जो पोर्टफोलियो बचेंगे उन पोर्टफोलियो को एफिशिएंट पोर्टफोलियो बोला जाता है. तीन रूल से जितने बाहर होंगे उनको बाहर कर दो. अब जो बचे वो क्या कहलाएंगे? एफिशिएंट. तो बताओ अब कौन कौन से बचे? P1 और P6. तो नाउ अब ये क्वेश्चन तो हमारा डबल में ही कन्वर्ट हो गया. बस सब बाहर हो गए, केवल दो पोर्टफोलियो बचे हमारे. अब लिख लें, हेंस द एफिशिएंट पोर्टफोलियोज आर, हेंस hence the efficient portfolios are a portfolio ka naam likh lein, unki return aur unka standard deviation likh lein. To P1 aur P6 unki return hai 24 aur 34 aur standard deviation hai 8 aur 11. Now अब अगर हमने एफिशिएंट चुन लिया तो अब ऑप्टिमम सेलेक्ट करना है. और ऑप्टिमम के कल मैंने आपको तीन मेथड बताए थे, वही रूल अप्लाई होंगे. तो ऑप्टिमम का पहला मेथड क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड. दूसरा मेथड था शार्पे रेशो और तीसरा था यूटिलिटी फंक्शन. तो अब आपको इन दोनों पोर्टफोलियो में से ऑप्टिमम को सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दीज थ्री मेथड्स. तो लिखें सेलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, selection of optimum portfolio, selection of optimum portfolio. लिखे method A, CV method. method A, CV method. निकालें coefficient of variation दोनों का. तो P1 का कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा? 8/24. तो यही फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रिटर्न इनटू 100. कितना आ गया? 33.33 अगर इनटू 100 कर देंगे तो. और P6 का निकालें, P6 का कितना आ रहा है? 30. बताइए कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? लोअर सीवी, P6. तो लिख दे P6 इज द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. जो P6 है आपका वो क्या है? ऑप्टिमम पोर्टफोलियो है बेस्ड ऑन सीवी. सेकंड, बेस्ड ऑन शार्पे रेशो, बेस्ड ऑन शार्पे रेशो. तो दोनों पोर्टफोलियो का शार्पे रेशो निकालो. फिर मैंने आपको बोला था जिसका शार्पे रेशो ज्यादा है आप उस पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करोगे. तो लिखो बेस्ड ऑन शार्पे रेशो. तो दोनों के लिए शार्पे रेशो का फॉर्मूला लगाओ. पहले में लगेगा 24 - 5/8. 24 रिटर्न है, -5 आपकी आरएफ है और डिवाइडेड बाय रिस्क लेवल 8. तो बताएं कितना आया शार्पे रेशो? 24 - 5 करके 4 कैसे आ सकता है? डिवाइड बाय 8 करोगे तो
2.375। इसी तरह से P6 का निकाल लो। अब बताइए शार्पे रेशियो से हमारा क्या डिसीजन था, जिसका हायर शार्पे रेशियो है इट शुड बी सेलेक्टेड। तो इस बेसिस पर कौन सा पोर्टफोलियो सेलेक्ट हुआ, P6 इज द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन शार्पे रेशियो। P6 इज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो एज पर शार्पे मेथड। तीसरा यूटिलिटी फंक्शन। अब आपको ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, इससे यूटिलिटी की वैल्यू निकाल लो। आपको जो यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है इससे क्या निकाल लेंगे हम, यूटिलिटी की वैल्यू निकाल लो। क्या फंक्शन दिया हुआ है, रिटर्न माइनस 0.05 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। रिटर्न माइनस 0.05 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। कर ली दोनों की यूटिलिटी, किसकी यूटिलिटी ज्यादा आ रही है, P6। तो बस लिख दो P6 इज ऑप्टिमम बेस्ड ऑन यूटिलिटी फंक्शन। P6 इज ऑप्टिमम बेस्ड ऑन यूटिलिटी फंक्शन। अगर हम यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारा जो P6 है वो क्या बनेगा, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनेगा। तो ये देखिए हैरी मार्कोविच ने जो रिस्क रिटर्न एनालिसिस सिखाया उसके अकॉर्डिंग इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। यानी सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हैरी मार्कोविच हर सिक्योरिटी की रिटर्न निकालोगे, हर सिक्योरिटी की रिस्क निकालोगे, एंड आफ्टर देन ये रिस्क रिटर्न एनालिसिस करेंगे और इस आधार पर हम अपने ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का सिलेक्शन करेंगे। नाउ हाँ, अगर मान लो ऑप्टिमम हमारी जो एफिशिएंट थे वो 3 आते या 4 आते तो तीनों के सीवी निकाल लेते, तीनों के लिए शार्पे रेशियो लगा देते, तीनों के लिए यूटिलिटी फंक्शन लग जाता। क्योंकि इन एफिशिएंट को अलग करने के बाद एफिशिएंट जितने भी बचेंगे उन एफिशिएंट में से ऑप्टिमम का सिलेक्शन इन्हीं मेथड के आधार पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस बिटवीन टू सिक्योरिटीज। उसने अगला मेजरमेंट दिया कोवेरियंस की कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटीज। कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी। देखिएगा कोवेरियंस बताता है को मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। मान लीजिए हम दो सिक्योरिटीज को एनालाइज कर रहे हैं, अभी आपने पिछले जो भी रूल पढ़े ना आपने सिर्फ एक ऑप्टिमम को चुना, आपने सिर्फ एक ऑप्टिमम को चुना, एंड पोर्टफोलियो कैन नेवर बी क्रिएटेड बाय द सिंगल सिक्योरिटी। पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या होता है, मोर देन वन होने चाहिए। अगर आपके आप सिलेक्शन में केवल एक सिक्योरिटी को ले रहे हो तो वो एक पोर्टफोलियो नहीं बना, वो तो एक सिंगल सिक्योरिटी वाली। पोर्टफोलियो का तो मीनिंग ही क्या है, जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी होगा। तो नाउ वी वांट टू एनालाइज व्हाट आर द को मूवमेंट बिटवीन द सिलेक्टेड सिक्योरिटीज।
को मूवमेंट का मतलब होता है कि वो किस तरह से मूव कर रही हैं, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यानी इसकी रिटर्न बढ़ेगी इसकी भी रिटर्न बढ़ेगी, या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, कि अगर हम इन दो असेट में पैसा लगा रहे हैं एक की रिटर्न बढ़ रही है और एक की रिटर्न कम. इट विल बी अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बेसिकली स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन गिवन बाय द हेरी मार्कोविच, कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट कोवेरियंस बिटवीन द सिक्योरिटीज, तो आपको उसके लिए कोवेरियंस के स्टेप्स को लगाना पड़ेगा. कोवेरियंस दो तरह से निकाला जा सकता है, वही बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, और बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा. अगर हमारे पास क्वेश्चन में हिस्टोरिकल डेटा गिवन है तो कैसे निकालेंगे हम? कैलकुलेट एवरेज रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटी. सबसे पहले दोनों सिक्योरिटी की क्या निकाल लेंगे? एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे. ए सिक्योरिटी की रिटर्न और इसी तरह से दूसरी सिक्योरिटी की रिटर्न. नाउ स्टेप टू, कैलकुलेट डेविएशन फॉर ईच सिक्योरिटी सेपरेटली. और ईच सिक्योरिटी सेपरेटली, जैसे डेविएशन वन निकालोगे सिक्योरिटी की जितनी भी रिटर्न है और उनकी एवरेज आपने निकाला हुआ है उससे आपका डेविएशन आ जाएगा. इसी तरह से डी टू निकल जाएगा, यानी सेकंड सिक्योरिटी के डेविएशंस. हर सिक्योरिटी की रिटर्न का उसकी एवरेज रिटर्न से हम क्या निकाल लेंगे? डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे. पहली सिक्योरिटी की जितनी भी रिटर्न है उनका उनकी एवरेज रिटर्न से डेविएशन, फिर दूसरी सिक्योरिटी की जो रिटर्न है उसका उसके एवरेज रिटर्न से डेविएशन. तो यानी अब हमारे पास दो डेविएशन आ गए, डी वन यानी पहली सिक्योरिटी के डेविएशन और डी टू यानी दूसरी सिक्योरिटी के डेविएशन. देन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ईच डेविएशन सेपरेटली एंड गेट द टोटल ऑफ सच मल्टीप्लीकेशन. लिखें मल्टीप्लाई ईच डेविएशन separately and get total. Yani that means sigma of d1 into d2.
हर डेविएशन को सेपरेटली सेपरेटली मल्टीप्लाई करोगे एंड देन उनका क्या कर दिया जाएगा, सिग्मा या टोटल कर दिया जाएगा. एंड नाउ स्टेप नंबर फोर, कैलकुलेट कोवेरियंस. कैलकुलेट करेंगे कोवेरियंस. सिग्मा डी वन इंटू डी टू डिवाइडेड बाय एन. तो ये हमारे पास कोवेरियंस आ जाएगा, सिग्मा डी वन इंटू डी टू डिवाइडेड बाय एन. तो ये दो सिक्योरिटी के बीच में हमारे पास कोवेरियंस कैलकुलेट होगा. ठीक है, तो चार स्टेप हैं. सबसे पहले दोनों सिक्योरिटी की एवरेज रिटर्न निकालेंगे, फिर दोनों सिक्योरिटी के डेविएशंस निकालो, देन उन इंडिविजुअली डेविएशन को मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, एंड देन वो जो टोटल आ रहा है डेविएशंस का आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन उसको डिवाइड बाय एन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवेरियंस आ गया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. लेकिन अगर यही डेटा क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड है, तो अब कोवेरियंस कैसे निकालोगे, तो लिखें बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न. सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो ER ऑफ A, रिटर्न 1 इंटू P1, रिटर्न 2 इंटू P2 एक्सेट्रा. ER B, दूसरी सिक्योरिटी की भी रिटर्न निकल जाएगी, R1 P1 R2 P2. ये लीजिए, हम दोनों सिक्योरिटीज की क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर देंगे. सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट डेविएशन ऑफ ईच रिटर्न फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटी दूसरा काम क्या करना है, हर सिक्योरिटी का उसकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आई थी उससे क्या निकाल लोगे, डेविएशंस कैलकुलेट कर लेंगे. तो एक तो D1 कैलकुलेट हो जाएगा, रिटर्न माइनस ER, और इसी तरह से दूसरा आ जाएगा रिटर्न माइनस ER ऑफ B. तो आपके पास D1 एंड D2 दो कॉलम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे. पहला डेविएशन आपकी सिक्योरिटी ए की हर रिटर्न का उसकी एवरेज रिटर्न से, एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएशन, और डी टू हर इंडिविजुअल रिटर्न का उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएशन. स्टेप थ्री, मल्टीप्लाई ईच डेविएशन Multiply each deviation separately that is D1 into D2. Total नहीं करना है, individually बस D1 और D2 को multiply करके column आ जाएगा. देन स्टेप नंबर फोर, ईच मल्टीप्लीकेशन
अगेन मल्टीप्लाई बाय देयर प्रोबेबिलिटी बाय देयर. अब आपने ये जो d1 और d2 निकाला इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इसको इनकी प्रोबेबिलिटी से, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मींस क्या करेंगे हम, d1 इंटू d2 जो आया देन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी फिफ्थ कोवेरियंस इज द टोटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आफ्टर स्टेप फोर दैट मीन्स कोवेरियंस क्या आएगा, सिग्मा ऑफ डी वन इंटू डी टू इंटू प्रोबेबिलिटी. आपने ये जो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है उसके बाद जो वैल्यूज आई अगर उनका क्या निकाल दोगे आप, टोटल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोवेरियंस कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये आपके पास दो तरीके होंगे कोवेरियंस निकालने के लिए, एक बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड सेकेंड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा. या तो हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड या एक्सपेक्टेड डेटा पर बेस्ड आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन. नाउ जो कोवेरियंस था ना वो को मूवमेंट तो बताता है बट ये बताने में फेल हो जाता है कि ये सिक्योरिटीज कितनी कोरिलेटेड हैं. को मूवमेंट तो बता दिया लेकिन ये नहीं बता पाया कि क्या ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं या ये नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं. मूवमेंट समझा दिया उसने लेकिन उस मूवमेंट की डिग्री को नहीं समझा पाया. तो हैरी मार्कोविच ने फिर एक और बात बोली कि टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द मूवमेंट कि हाईली कोरिलेटेड, हाईली पॉजिटिव हैं, हाईली नेगेटिव हैं, मॉडरेट हैं, लो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, एब्सेंस हैं, तो इस को मूवमेंट की डिग्री को ढूंढने के लिए फिर हैरी मार्कोविच ने एक और कैलकुलेशन दी विच इज डिनोटेड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द सिक्योरिटीज. उस कोरिलेशन भी मूवमेंट को बताता है और कोवेरियंस भी मूवमेंट को बताता है लेकिन कोरिलेशन मूवमेंट के साथ साथ उसकी डिग्री को भी डिफाइन करता है जबकि कोवेरियंस डिग्री बताने में फेल हो जाता था. तो इसने जैसे ही कोवेरियंस समझाया तुरंत हैरी मार्कोविच ने वन मोर कैलकुलेशन प्रोवाइड की कि टू नो अबाउट द डिग्री ऑफ द मूवमेंट वी हैव टू फाइंड आउट वन अनदर कैलकुलेशन विच इज कॉल्ड एज कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द सिक्योरिटीज. तो आप तुरंत पहले उसका भी फॉर्मूला लिख ले फिर हम इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं कोवेरियंस और कोरिलेशन निकालने का. तो लिखें टॉपिक डाल के हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन सिक्योरिटीज. हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट correlation coefficient denoted by small r. r is equal to covariance between securities
divided by standard deviation of A security into standard deviation of B security. This is the formula of correlation coefficient. तो आप ऑलरेडी कोवेरियंस निकाल चुके हो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, तो देन हम आसानी से उस सिक्योरिटी का क्या निकाल सकते हैं, उन सिक्योरिटी के बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन ढूंढ सकते हैं. तो हैरी मार्कोविच ने कोवेरियंस के बाद एक और फॉर्मूला दिया विच इज कॉल्ड एज कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन द सिक्योरिटीज. हाँ, कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलेंगे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 सीए फाइनल मई 07. द हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न्स फॉर द टू सिक्योरिटीज ओवर द पास्ट 10 इयर्स आर गिवन. कैलकुलेट कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ दीज टू सिक्योरिटीज. आपको दो सिक्योरिटीज की क्या दी हुई है, रिटर्न दी हुई है. अब इनके बीच में हमें कोवेरियंस कैलकुलेट करना है. हिस्टोरिकल डेटा है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों सिक्योरिटीज की एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करोगे. तो चलिए सबसे पहले दोनों सिक्योरिटीज की एवरेज रिटर्न निकाल दो. एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वन निकालें, 12 प्लस 8 प्लस 7 14 16 सबको जोड़ के डिवाइड बाय 10. बताएं एवरेज कितना आया, 14.8. सिक्योरिटी टू, सिक्योरिटी टू का भी एवरेज निकालो, 21. ये लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर वन, दिस इज अवर स्टेप नंबर वन. हमने क्या निकाल लिया, सिक्योरिटीज की एवरेज रिटर्न को कंप्यूट किया है. नाउ स्टेप टू क्या थी, हर रिटर्न का एवरेज रिटर्न से डेविएशन. तो अब हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. ईयर, फिर सिक्योरिटी वन की रिटर्न, देन डी वन यानी आर माइनस आर बार, फिर सिक्योरिटी टू की रिटर्न, देन डी टू
और अगला बनेगा डी वन इंटू डी टू। अब आपको कोवेरियंस निकालने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए पूरा। तो पहला कॉलम ईयर्स, फिर सिक्योरिटी वन की रिटर्न आ जाएंगी, सिक्योरिटी वन का उसकी एवरेज रिटर्न से सारा डेविएशन यानी डी वन आ जाएगा, सिक्योरिटी टू की रिटर्न और उसका डेविएशन आ जाएगा, एंड देन डी वन इंटू डी टू। तो देखिए ईयर है 1 से 10, सबसे पहले सिक्योरिटी वन की रिटर्न लिख देते हैं 12 8 7, 12 8 7 14, फिर उसके बाद है 16 15 18, 16 18, फिर उसके बाद 18 20 16 और 22, तो 20 16 22। चलिए अब डेविएशन निकालें, इसकी एवरेज रिटर्न कितनी आई थी अपनी 14.8, तो 12 माइनस 14.8 ये आ गया माइनस का 2.8, 8 माइनस 14.8 माइनस का 6.8 माइनस का 7.8 माइनस का 0.8, वन पॉइंट टू, पॉइंट टू जीरो, 3.20, 5.20, 1.20, 7. ये लीजिए हमारे पास डी वन का कॉलम बनकर तैयार हो गया। आइए सिक्योरिटी टू की रिटर्न लिख देते हैं अब 20 22 24 28 18, 18 के बाद 15 20 24 25 और 22, 9। इसकी एवरेज रिटर्न क्या थी? एक केस तो हमारे पास डी टू यानी डेविएशन आ जाएगा, माइनस वन वन 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 3 4, 1, ये हमारे पास डी टू आ गया। नाउ इंडिविजुअली इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो डी वन और डी टू को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 2.8 और माइनस का 1, तो ये 2.8 आ गया, इधर माइनस का 6.8 आएगा, फिर इधर है आपके पास 7.8 इंटू 3, तो माइनस का 23.40, फिर इधर है माइनस का 0.8 इंटू माइनस का 3, तो 2.40 आ गया, फिर 1.2 इंटू 6, तो माइनस का 7.20 आएगा, माइनस का 0.20, नाइन पॉइंट सिक्स जीरो, 20.80, 1.2 माइनस 7.20,
और इसका अब सिग्मा कर लेंगे, 6.8 माइनस 2.8 माइनस का 8, तो D1 प्लस D2 का हमारे पास जो टोटल आ गया माइनस का 8 तो कोवेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय n, तो ये हो गया माइनस का 8 डिवाइड बाय माइनस का 0.08, ठीक है। अब उसने कोरिलेशन मांगा है, तो उसके लिए पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा दोनों का। तो D1 तो हमने निकाला वही है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और उसका अंडर रूट। तो हमारे पास D1 D2 तो ऑलरेडी है, तो पहले D1 D2 उतार लेते हैं। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑफ ईच सिक्योरिटी, हाँ दोनों के बीच का को मूवमेंट, जैसे नेगेटिव को मूवमेंट है, क्योंकि माइनस का 0.08 बता रहा है कि नेगेटिवली को मूवमेंट करेंगी है। एक सिक्योरिटी की इंक्रीजिंग रिटर्न है तो दूसरे की डिक्रीजिंग है। अब लेकिन इसने डिग्री को नहीं बताया कि ये मॉडरेट है, हाईली है या नेगेटिवली है। तो नेगेटिव तो पता लग गया मुझे, साइन पता लग गया, बट ये नेगेटिव में भी कई होते हैं, हाईली नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव या मॉडरेट नेगेटिव, तो उसकी डिग्री नहीं बता पाता था ये। अल्टीमेटली तो दोनों का आंसर वही है, मूवमेंट ही बताना है। अब ईच सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। चलिए सबसे पहले मुझे बताएं सारे D1 क्या आए थे अपने, माइनस 2.8 माइनस 6.8 माइनस 7.8, हाँ अगर ध्यान है तो बिल्कुल आप वहीं पर स्क्वायर भी वहीं बना दो, बिल्कुल उसी में कितना आ गया माइनस का 0.8, फिर 1.2 0.2 3.2 1.2 5.2 5.2 के बाद 0.2। तो नाउ अब हमें डी स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर, हाँ D1 का स्क्वायर 46.24, 60.84, 0.64, 1.44, 0.04, 10.24, 27.04, 1.44, 51. टोटल आ गया 207.60।
तो बस इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं अपन, अंडर रूट 207.6 डिवाइड बाय 10, फोर पॉइंट फाइव फाइव सिक्स। ये हमारे पास पहली सिक्योरिटी का क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरह से डी टू चाहिए मुझे, बोले क्या क्या आए थे, डेविएशन ऑफ डी टू माइनस वन, वन थ्री, माइनस थ्री, माइनस सिक्स, माइनस वन, थ्री, फोर, अब मुझे चाहिए D2 का स्क्वायर, वन वन नाइन नाइन, थर्टी सिक्स, वन नाइन सिक्सटीन, वन और वन, ना गया 84, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 84 अपॉन 10। अब हमारे पास कोवेरियंस भी आ चुका है और दोनों सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गए। लीजिए कोरिलेशन निकाल सकते हैं अब हम, R इज इक्वल टू कोवेरियंस कितना था 8 माइनस का, अच्छा माइनस का 0.08 सॉरी ऊपर 8 था क्या पॉइंट, पॉइंट एट है आपका, डिवाइडेड बाय इन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन, तो यानी 4.556 इंटू 2.898 माइनस का 0.8 डिवाइडेड बाय 4.556 इंटू 2.898 13.20 माइनस का, ये आपका इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में क्या आ गया, कोरिलेशन कॉफिशियंट आ गया। That is correlation coefficient between these two securities. बस movement है, degree ये बताएगा कि कितना बढ़ेगा तो कितना कम होगा, degree नहीं बताता covariance कभी भी, बस minus में correlated है ये। 0.8 तो उसका सिर्फ एक मेजरमेंट होता है, स्टेटिस्टिकल मेजर है, इससे हम ये नहीं बोल सकते कि 80% का वेरिएशन आ रहा है। 0.8 डजंट डिनोट कि अगर एक वो बढ़ेगी तो उसमें 0.8 कहीं चाहिए, वो ये बताता है बस। हाँ मतलब एक बढ़ेगी तो एक नीचे, नेगेटिवली चल रहे हैं दोनों, मूवमेंट ऐसे है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन बताता है दोनों तरफ, दोनों इंक्रीजिंग उसमें है बिल्कुल। चलिए टॉपिक नंबर नेक्स्ट बताएं क्या था टॉपिक, लिखे हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो,
return and risk of portfolio. हाँ, अभी पार्ट वन ही हमारा चल रहा है. देखिएगा, मैंने आपको बोला था कि अभी तक हमने ये इवेल्युएट किया कि सिक्योरिटी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, बट मैंने आपको कहा था पोर्टफोलियो का जो मतलब होता है वो क्या होता है. पोर्टफोलियो मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज. पोर्टफोलियो तभी बनेगा जब हमारे पास मोर देन वन सिक्योरिटी होगी. तो अब अगर मान लीजिए हमने एक से ज्यादा सिक्योरिटी को सेलेक्ट करके क्या बनाया, एक पोर्टफोलियो बनाया, तो उस पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है और उस पोर्टफोलियो की हमें रिस्क निकालनी है. तो देखिएगा, ए पॉइंट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो. देखिए, पोर्टफोलियो की रिटर्न निकाली जाती है वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो. यानी पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज हमारे पास हैं, अगर हम उनकी क्या निकाल दें, वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोर्टफोलियो की रिटर्न आ जाएगी. यानी दैट मींस वी कैन से द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ ए सिक्योरिटी प्लस रिटर्न ऑफ बी सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ बी सिक्योरिटी. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न. ठीक है, तो यानी अगर हमें पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है तो पोर्टफोलियो रिटर्न इज बेसिकली द वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो. पहली सिक्योरिटी की रिटर्न इनटू उसमें हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसका वेट आ जाएगा. फिर दूसरी सिक्योरिटी की रिटर्न इनटू उसका वेट आ जाएगा, तो हमारे पास पोर्टफोलियो की रिटर्न निकल जाएगी. बी, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो. रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो को हम दो पार्ट में बांटते हैं. रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो हैविंग टू रिस्की एसेट. यानी अगर हमारे पोर्टफोलियो में केवल दो रिस्की एसेट हैं, तो ऐसे पोर्टफोलियो की रिस्क को कैसे निकाला जाएगा. और इफ पोर्टफोलियो हैविंग थ्री रिस्की एसेट, having three risky assets, या फिर अगर हमारे पोर्टफोलियो में क्या है, तीन रिस्की असेट हैं, तो हम पोर्टफोलियो की रिस्क को कैसे निकालेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सिक्योरिटी स्क्वायर और वेट ऑफ ए सिक्योरिटी स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी सिक्योरिटी स्क्वायर वेट ऑफ बी सिक्योरिटी स्क्वायर प्लस टू इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी
weight A, weight B or correlation between A and B. हाँ, इससे ज्यादा आएंगे तो फिर वो मैनेजेबल ही नहीं है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये है कि जो कोरिलेशन निकाला जाता है वो दो दो सिक्योरिटी के बीच में निकल सकता है, तो कॉम्बिनेशन बनने चालू हो जाएंगे. तो इसलिए अपने पास एग्जाम में ठीक है, तो अगर दो सिक्योरिटी के बीच में आपको पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे. नाउ अगर हमें रिस्क निकालनी है किसके बीच में, दो से अधिक यानी तीन सिक्योरिटीज के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर डब्ल्यू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन सी स्क्वायर डब्ल्यू सी स्क्वायर, टू इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी correlation between A and B plus 2 standard deviation A standard deviation C W A W C correlation between A C plus 2 standard deviation B standard deviation C weight B weight C or correlation between B and C. अब इसीलिए सोचो, अगर तीन से ज्यादा सिक्योरिटी आ गई तो आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोरिलेशन की समस्या है कि कोरिलेशन केवल दो के बीच में ही निकाला जा सकता है. तो अगर चार सिक्योरिटी हुई तो कितने सारे कोरिलेशन आपको चाहिए, कि भाई छह कोरिलेशन आपके पास होने चाहिए तब जाके आप इसको लगा पाओगे. तो हमारे एग्जाम्स में या तो जो सिक्योरिटी जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आएगी वो टू सिक्योरिटी पर बेस्ड, या फिर आपकी थ्री सिक्योरिटीज पर बेस्ड हमारे पास रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट होती है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो. तो रिटर्न में तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको वेटेड एवरेज रिटर्न निकालनी है, और रिस्क में हमारे पास दो पॉइंट हो गए, दो सिक्योरिटी को लेकर रिस्क और तीन सिक्योरिटी को लेकर रिस्क. एग्जाम्पल कर लेते हैं उसका. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 सीए फाइनल नवंबर 08, इसको मैं वहां ले लेता हूं. देखिए क्या बोल रहे हैं, मिस्टर ए
is interested to invest 1 lakh in security market. He selected two securities B and D. Yani he create a portfolio by considering two securities B and D. The risk and return profile of the securities are as under. इन दोनों के बीच में correlation आपको दिया हुआ है 0.15. आपको क्या calculate करना है? Portfolio की risk calculate करनी है और portfolio की return calculate करनी है according to the following proportions. यानि अगर आप सारा पैसा B में लगाओ, अगर आप 50% B में और 50% D में लगाओ, यानि आपको weights दे रखे हैं. हर weight पर हमें क्या करना है? पोर्टफोलियो की रिटर्न और पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी है. तो देखिए पहला केस, तो पहले केस में तो उसने क्या बोला है, 100% इन्वेस्टमेंट, 100% इन्वेस्टमेंट इन बी. अब जरा समझें, अगर आपने सारा पैसा बी में लगाया तो एग्जैक्टली वही रिटर्न कमाओगे जो बी पर मिल रही है. तो यानी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू कितनी है बी की रिटर्न, 12, एंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 20. भाई जब आपने सारा पैसा बी में लगाया तो रिस्क भी बी, सॉरी बी की 10 रिस्क है आपकी. अब देखें अगर बी में ही सारा पैसा लगा रहे हो तो रिटर्न भी बी की कमाओगे और रिस्क भी बी की उठानी पड़ेगी आपको. नाउ अब सेकंड उसने क्या बोला है, 50% बी में लगाओ और 50% डी में. तो प्रोपोर्शन दे दिया उसने हमें. सेकंड पॉइंट, वेट ऑफ बी कितना दे दिया, 0.5, और वेट ऑफ डी कितना दे दिया. चलिए सबसे पहले क्या निकालनी है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. तो रिटर्न ऑफ बी सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ बी सिक्योरिटी प्लस रिटर्न ऑफ डी सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ डी सिक्योरिटी. देखो इधर बी की रिटर्न कितनी थी, 12, और डी की रिटर्न है 20, तो बस निकाल दो 12 × 0.5 प्लस 20 × 0.5. ये हमारे पास 16% इस पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई. नाउ इसकी रिस्क चाहिए. अब तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर, वेट ऑफ बी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी स्क्वायर, वेट ऑफ डी. ये लीजिए हमारे पास ये सारा डेटा आ गया. नाउ मुझे बताओ बी की और डी की रिस्क कितनी कितनी है. बी की 10 और उसकी 18. तो 10 का स्क्वायर इनटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इनटू 0.5 का स्क्वायर, 10 इनटू 18 इनटू 0.5 इनटू 0.5 इनटू कोरिलेशन कितना दे रखा है, 0.15. रिस्क है ना, रिस्क तो 10 और 18. हंड्रेड इंटू 0.25 प्लस 324 इंटू 0.25 प्लस
13.5, ये आ गया 100 × 0.25, 25 + 324 × 0.25, दैट इज 81 + 13.5, तो यानी 25 + 81 + 13.5 टोटल आ गया, इसका अंडर रूट कर दोगे तो 10.93, ये हमारे पास इस पोर्टफोलियो की रिस्क आ गई। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोला है उसने, 75% तो बी में और 25% डी में, तो यानी वेट ऑफ बी आ गया, वेट ऑफ बी 0.75 और वेट ऑफ डी 0.25, ये आपके पास वेट्स आ गए। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, बी की रिटर्न कितनी थी, तो 12 × 0.75 + इसकी रिटर्न 20, तो 20 × 0.25, तो 14% तो इस पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई। अब देन वापस से रिस्क का फॉर्मूला लग जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, हां परसेंटेज में निकलती है स्टैंडर्ड डेविएशन इन परसेंटेज टर्म्स, 10² × 0.75² + 18² × 0.25² + 2 × 10 × 18 × 0.75 × 0.25 और 0.15, ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया। आ गया 100 × 5625 + 324 × 0625 + 2 × 10 × 18 × 0.75 × 0.25 और 0.15, 10.125, 100 × 0.5625 = 56.25 + 324 × 0.0625, तो यह आ गया 20.25 + 10.125, टोटल आ गया अंडर रूट 9.31%, ये आपके पास इसकी रिस्क आ गई। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट फोर्थ केस क्या था, हमने सारा का सारा 100% केवल डी में लगाया, फोर्थ 100% इन डी,
100% इन्वेस्टमेंट इन डी, तो आपकी जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो होगी वो डी की रिटर्न के बराबर यानी 20%, और आपकी जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो होगी वो डी की रिस्क के बराबर दैट इज 18%। बोलो क्लियर। यानी इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले हैं पोर्टफोलियो की रिटर्न और पोर्टफोलियो की रिस्क निकालने के लिए। बोला ना उसने आगे भी अगले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा उसने आपसे, ऑल्सो इंडिकेट दैट विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले काम करते हैं अपन एक चार्ट बना देते हैं पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। हमारे पास चार पोर्टफोलियो हैं, पोर्टफोलियो वन, पोर्टफोलियो टू, पोर्टफोलियो थ्री, पोर्टफोलियो फोर। सबसे पहले इनकी रिटर्न्स बताओ, हर में आपने क्या क्या रिटर्न ली थी। पहले में 10%, दूसरे की रिटर्न बताओ कितनी थी। पोर्टफोलियो टू जब 0.5 का वेट था 16, पोर्टफोलियो थ्री में 14 और पोर्टफोलियो फोर में 20। ये तो हमारी चारों पोर्टफोलियो की रिटर्न्स थी। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क भी 10 रिटर्न भी 10 थी क्या। हाँ पहले रिटर्न, तो रिस्क है इसकी 10.93, 9.31। Now, उसने आपसे अब डिसीजन मांगा है पहले रिटर्न की टर्म्स में कि अगर वो इन्वेस्टर केवल रिटर्न के बेसिस पर सोचेगा तो बताओ इनमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न कहां मिल रही है उसे, P4। तो फ्रॉम द रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू P4 पोर्टफोलियो शुड बी सेलेक्टेड, ऑल्टरनेटिव 4 शुड बी सेलेक्टेड। तो लिख दो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न या फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन शुड इन्वेस्ट 100% अमाउंट इन सिक्योरिटी डी। पर्सन शुड इन्वेस्ट 100% अमाउंट इन पोर्टफोलियो डी, उसे सारा का सारा पैसा पोर्टफोलियो डी में लगाना चाहिए। नाउ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से जहां उसे सबसे कम रिस्क मिल रही है यानी P3 में, तो लिखो फ्रॉम रिस्क व्यू पॉइंट, फ्रॉम रिस्क व्यू पॉइंट पर्सन शुड सेलेक्ट पोर्टफोलियो थ्री, पर्सन शुड सेलेक्ट पोर्टफोलियो थ्री दैट इज 75% इन बी सिक्योरिटी एंड 25% इन डी सिक्योरिटी, दैट इज 75% इन बी सिक्योरिटी 25% इन डी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आपके पास रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट बनता है। लिखेंगे टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट correlation coefficient on
risk of portfolio. Too risky asset. देखिए कुछ correlation coefficient के impact की informations होती हैं, हम उनको कैसे apply करते हैं. Case A. If correlation coefficient is equal to plus 1, अगर आपका correlation coefficient exactly plus 1 के बराबर आ रहा है, अगर आपका correlation coefficient exactly plus 1 के बराबर आ रहा है, अब देखिएगा आप risk of the portfolio का formula देखें. मैं अगर उधर से अंडर रूट हटा दूंगा तो इधर स्क्वायर कर सकता हूं, तो स्क्वायर यानी वेरिएंस की टर्म्स में मैं लिख रहा हूं. क्या फॉर्मूला है बताएं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर और वेट ऑफ ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर और वेट ऑफ बी स्क्वायर, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेट ए, वेट बी, कोरिलेशन बिटवीन ए बी. नाउ द कोरिलेशन बिटवीन ए बी इज प्लस वन, द कोरिलेशन बिटवीन ए बी इज प्लस वन. तो अगर ये ए बी प्लस वन है तो अगर इस पूरे फैक्टर को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही का यही बचेगा. तो यानी अब मैं इस फॉर्मूले को अगर इसकी बजाय ऐसे लिख दूं, वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो बी, वेट ए और वेट बी, क्योंकि वो वन से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू बचेगी. नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. तो मैं इसको अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकता हूं. ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो अब इसे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आपका, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली आपके पास पोर्टफोलियो की रिस्क का एक छोटा फॉर्मूला आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और दिस यानी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोरिलेशन कोफिशियंट एग्जैक्टली प्लस वन दिया है तो उस बड़ा फॉर्मूला लगाने के बजाय आप इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हो, पोर्टफोलियो की रिस्क उतनी ही आ जाएगी आपकी. कि अगर आपको कोरिलेशन कोफिशियंट बट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, प्लस वन, जो कोरिलेशन कोफिशियंट है वो प्लस वन. केस बी लिखेंगे, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस वन, केस बी, If R is equal to minus 1, यानी अगर जो correlation coefficient है वो क्या है आपका, minus 1 है. Now variance of portfolio is equal to standard deviation A square
weight a square, standard deviation b square, weight b square, plus 2 into standard deviation a. Standard deviation a standard deviation. ये माइनस वन है इस बार. अगर इस फैक्टर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी. तो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर वेट ए स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर वेट बी स्क्वायर माइनस टू इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ए. ये लीजिए. नाउ दिस फॉर्मूला बिकम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डब्ल्यू ए माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी डब्ल्यू बी का होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. तो अल्टीमेटली हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया. स्टैंडर्ड डेविएशन ए डब्ल्यू ए माइनस. ये लीजिए. अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन एग्जैक्टली माइनस वन के बराबर दिया हुआ है, तो माइनस वन के सिचुएशन में हम इस तरह से शॉर्टकट वे से भी अपने पोर्टफोलियो की रिस्क कंप्यूट कर सकते हैं. हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लगाएं. आप अपने उस कंप्लीट फॉर्मूले को लगाएंगे तो भी यही आंसर आएगा माइनस वन से करोगे तो. बस ठीक है कि अगर माइनस वन प्लस वन है तो क्वेश्चन को इजी बनाया जा सकता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला एंड केस सी. हां बिल्कुल. केस सी इफ आर इज इक्वल टू जीरो, नो कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज. अगर हमारी सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है या कोरिलेशन एब्सेंट है. वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर. नाउ तो ये जो फैक्टर है वो जीरो हो गया क्योंकि कोरिलेशन जीरो है. तो अब अगर कोरिलेशन जीरो है तो ये तो पूरी वैल्यू ही जीरो हो गई. तो बचा वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर. तो यानी बहुत सिंपल सी बात, वही अंडर रूट में आ गया. बस अब ये फॉर्मूला बचेगा. ये लीजिए. तो दीज आर द थ्री सिचुएशंस कि अगर आपके पास तीन स्पेसिफिक कोरिलेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है तो उन तीन स्पेसिफिक कोरिलेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पोर्टफोलियो की रिस्क को अलग वे में कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द शॉर्टकट टेक्निक. बोलो क्लियर. हालांकि मैं फिर कह रहा हूं नो नीड टू अप्लाई शॉर्टकट. अगर नहीं याद रहता है तो आप वो अपना बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर उससे भी आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा. हाँ नंबर दोनों में बराबर मिलते हैं, मार्क्स की तरफ से कोई दिक्कत. बोली क्लियर. तो ये था हमारा एक पोर्टफोलियो की रिस्क एंड रिटर्न. नाउ अब हमने रिस्क रिटर्न पर सारी बातें कर ली, वेट्स पर भी बात कर ली, बट अब हैरी मार्कोविच ने एक और बेस दिया
कि अगर आपके पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटी हैं तो हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बिटवीन देम, सिर्फ टू सिक्योरिटीज के लिए समझना. अवर ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज द रिस्क. हम कोई भी पोर्टफोलियो क्यों बना रहे हैं, हम 100% पैसा क्यों एक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारे पोर्टफोलियो की रिस्क क्या होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम. तो हैरी मार्कोविच ने बोला कि अगर आप अपने मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हो तो उसके जो वेट्स हैं वो ऑप्टिमम होने चाहिए. अगर आप एक ऑप्टिमम वेट्स को लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो ही आपको एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो मिलेगा. तो उसने ये बताया, कुछ दो फॉर्मूले दिए कि हाउ टू फाइंड आउट द वेट्स फॉर द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ द रिस्क. यानी उस अकॉर्डिंग अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो हर हालत में आपकी जो रिस्क होगी वो मिनिमम होगी. आप उसके अलावा कोई भी पोर्टफोलियो बना दो उसकी रिस्क ज्यादा ही आएगी आपकी. लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी कि उसका ये फॉर्मूला केवल और केवल टू रिस्की असेट के पोर्टफोलियो पर लग सकता था. अगर मोर देन टू आ गया तो हैरी मार्कोविच का कोई एक ऐसा फॉर्मूला या मेथड नहीं था कि जिससे हम मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बना पाए. उसके लिए शार्पे ने कुछ आगे अपनी वर्किंग्स की और कैपिटल मार्केट थ्योरी में आप उस चीज को देखेंगे. तो यहां पर हेडिंग डालें, टॉपिक डाल के क्रिएशन ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, क्रिएशन ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, या ऑब्लिक लगा के हम ये भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमम वेट्स टू क्रिएट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, ऑप्टिमम वेट्स टू क्रिएट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना, एप्लीकेबल ओनली फॉर टू रिस्की असेट पोर्टफोलियो, एप्लीकेबल ओनली फॉर टू रिस्की असेट पोर्टफोलियो. ओनली फॉर टू रिस्की असेट पोर्टफोलियो, केवल दो रिस्की असेट होंगी, उन्हीं का हम रिस्क मिनिमाइजेशन पोर्टफोलियो बना सकते हैं. दो फॉर्मूले दिए गए, देखिएगा. फॉर्मूला नंबर वन, अगर हमारा जो कोरिलेशन है वो उन सिक्योरिटी का एग्जैक्ट माइनस वन आ रहा है, अगर कोरिलेशन एग्जैक्ट माइनस वन है ना, तो वी कैन रिड्यूस अवर रिस्क टू जीरो. सबसे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो इसी केस में बन सकता है जहां पर आपकी रिस्क जीरो चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, माइनस वन होने का मतलब हुआ एग्जैक्टली जिस प्रपोर्शन में एक सिक्योरिटी बढ़ रही है एग्जैक्टली उतना ही दूसरी सिक्योरिटी में डिक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिक्योरिटी 10% पॉजिटिव है और दूसरी सिक्योरिटी 10% नेगेटिव है, तो एक का जो बेनिफिट होगा वो दूसरे के बेनिफिट से लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा. तो अब ऐसा प्रपोर्शन होना चाहिए कि जितना उसमें लगाऊंगा उसमें 10%, क्योंकि अगर अमाउंट अलग अलग हो गए तो प्रपोर्शन इस तरह से ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि एक सिक्योरिटी में जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना ही नुकसान एग्जैक्टली किसमें हो जाए, दूसरी सिक्योरिटी में हो जाए, और तब आपकी रिस्क जीरो हो जाएगी. तो हैरी मार्कोविच ने क्या बोला, अगर कोरिलेशन कॉफिशियंट माइनस वन आता है तो आप एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जिस पोर्टफोलियो की रिस्क जीरो होगी. तो उसने फॉर्मूला दिया, तो लिखें, वे पहले दो केस ऐसे बना लें चार्ट. इफ कोरिलेशन इज इक्वल टू माइनस वन, इफ कोरिलेशन इज इक्वल टू माइनस वन, अगर आपका जो कोरिलेशन कोफिशियंट है वो क्या है,
इज इक्वल टू माइनस वन, तो लिखें वेट ऑफ ए सिक्योरिटी इज इक्वल टू, वेट ऑफ ए सिक्योरिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. वेट ऑफ ए सिक्योरिटी कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. अब अगर एक का वेट आ गया, हमें पता ही है टोटल मिलाकर वेट का टोटल क्या होगा, वन, तो लिख दो वेट ऑफ बी सिक्योरिटी इज इक्वल टू वन माइनस वेट ऑफ ए. वेट ऑफ बी सिक्योरिटी इज इक्वल टू वन माइनस वेट ऑफ ए सिक्योरिटी. लेकिन अगर आपका जो कोरिलेशन कॉफिशियंट है इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, या तो माइनस वन के इक्वल होगा या माइनस वन के इक्वल नहीं होगा, तो बाकी सारे केस यहां कवर हो गए. तब एक अलग फॉर्मूला दिया गया, तो लिखें इसके नीचे इफ कोरिलेशन कॉफिशियंट इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो वेट ऑफ ए सिक्योरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ ए सिक्योरिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर माइनस कोवेरियंस बिटवीन ए बी, माइनस कोवेरियंस बिटवीन ए बी होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ए बी, माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ए बी. फिर लिख दें वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ ए. वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ ए. और कोवेरियंस कैसे निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए बी. ये वही कोरिलेशन का फॉर्मूला है. कोरिलेशन के फॉर्मूले को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस. भाई आपका आर का फॉर्मूला क्या था? कोवेरियंस ए बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. तो अगर उसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली कोवेरियंस आ जाएगा. ठीक है, तो टू फाइंड आउट ऑप्टिमम वेट्स फॉर क्रिएटिंग अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, हमारे पास दो सिचुएशन अराइज हुई. अगर आपका जो कोरिलेशन कॉफिशियंट है वो एग्जैक्टली माइनस वन है, या अगर आपका जो कोरिलेशन कॉफिशियंट है वो क्या है, माइनस वन नहीं है. तो आपके ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे आप क्या निकाल सकते हो, वेट्स कैलकुलेट कर सकते हो. देखिएगा,
ये क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें देखिए क्या बोला है, सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई हैविंग अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 और 9, तो लिख लें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 3% और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको दिया हुआ है 9%. नितिन इज हैविंग अ सरप्लस ऑफ 20 लाख एंड वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू सिक्योरिटीज, तो इसने पूछा है हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट इन ईच ऑफ द दीज सिक्योरिटीज टू मिनिमाइज द रिस्क. दो सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है, द ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज द रिस्क, तो आपको वेट्स कैलकुलेट करने हैं. अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जैक्टली -1 है, आपको सबसे पहले वेट्स निकालने हैं. अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है आपका -1, तो बताओ कैसे निकालोगे. तो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 है तो वेट ऑफ ए सिक्योरिटी कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. तो बी मतलब यहां वाई हो गया, तो 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया 0.75. तो वेट ऑफ ए सिक्योरिटी तो आ गया 0.75 और वेट ऑफ बी सिक्योरिटी 1 माइनस, सेकेंड केस अगर कोरिलेशन माइनस का 0.3 है, इफ आर इज इक्वल टू माइनस का 0.3, वेट ऑफ ए क्या फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस कोवेरियंस बिटवीन ए बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन ए बी. पहले कोवेरियंस निकाल देते हैं, तो कोवेरियंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कोरिलेशन बिटवीन ए बी. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बताएं 3 इंटू 9 और इंटू माइनस का 0.30, तो बताएं कोवेरियंस कितना आ गया. माइनस का 8.1 यार है क्या, ठीक. अब लगा दो वेट ऑफ ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर माइनस माइनस का 8.1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का
करें कैलकुलेट वेट कितना आ रहा है। कितना? कितना रहा वेट बताओ? 0.83, 84 मतलब हो गया। देख लो ये यार है क्या भाई सब? पॉइंट 84। तो वेट ऑफ बी कितना हो गया? 1 माइनस 0.84। पॉइंट 16। निकल जाएगा। इसी तरह से अगले केस भी हो जाएंगे भाई। अगर आपका जीरो है तो जीरो का फॉर्मूला भी यही लगेगा जो अभी लगाया, और अगर 0.6 है तो भी यही लगेगा भाई। सिर्फ माइनस वन में एक अलग फॉर्मूला है और बाकी सब में आपका एक ही फॉर्मूले से आपको सारे वेट्स निकालने हैं। तो ये था हाउ टू क्रिएट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो हैविंग वेट्स फॉर ऑप्टिमम पोर्टफोलियो हैविंग मिनिमम रिस्क बट ओनली बिटवीन टू रिस्की असेट। यानी हमारा पोर्टफोलियो अगर टू रिस्की असेट है तो इन वेट्स के द्वारा अगर हम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो हमारी पोर्टफोलियो की जो रिस्क आएगी वो रिस्क मिनिमम होगी। रिस्क ज्यादा आएगी आपकी। कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस बिटवीन कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटीज इन सम डिफरेंट मैनर। हमने देखिए दो सिक्योरिटी के बीच में कोवेरियंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि सिग्मा डी वन इंटू डी टू डिवाइडेड बाय एन। नाउ कुछ और थोड़ी सी हम बात करते हैं ए कोवेरियंस ऑफ अ सिक्योरिटी with same security covariance of a security with same security। यानी एक security का खुद के साथ अगर आपको covariance निकालना है, that means अगर जैसे मैं ये बोलूं कि कोवेरियंस बिटवीन ए एंड ए, एक सिक्योरिटी का अगर मैं खुद के साथ क्या निकालूंगा, कोवेरियंस निकालूंगा, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेरियंस ऑफ द सिक्योरिटी। देखिएगा
कैसे? देखो, हम कोवेरियंस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना इधर, पहली सिक्योरिटी का उसकी एवरेज रिटर्न से क्या चाहिए, डेविएशन, जिसको आप नाम देते हो सिग्मा डी वन. तो अगर मैं ए का ए की एवरेज रिटर्न से डेविएशन निकालूंगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज सिग्मा डी ए, मतलब केवल डी ए लिखता हूं सिग्मा. पहला डी ए निकालोगे, फिर वापस से दूसरी सिक्योरिटी क्या है ए, फिर ए का ए के साथ डेविएशन निकालोगे तो दैट इज अगेन डी ए. ये आपके दो डेविएशन आ गए. पहली सिक्योरिटी भी ए है, उसका उसकी एवरेज रिटर्न से डेविएशन डिनोटेड एट डेविएशन ए, देन अगेन डेविएशन ए. फिर आप क्या करते हो, इन दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करके सिग्मा डिवाइडेड बाय एन. यही फॉर्मूला होता है अपना कोवेरियंस का. तो नाउ अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा डी ए का स्क्वायर अपॉन एन. पहली सिक्योरिटी का खुद के साथ डेविएशन तो वो भी डी ए से डिनोट होगा, फिर दूसरी सिक्योरिटी भी ए ही है क्योंकि हम ए का ए से ही कोवेरियंस निकाल रहे हैं, तो अगेन डी आएगा. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डी ए स्क्वायर हो गया. अब आप देख लो, अगर मैं इसमें अंडर रूट लगाता हूं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, तो अगर मैं अंडर रूट नहीं रखता हूं तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी वेरिएंस. तो वही चीज मैंने ऊपर लिखी है कि अगर आपको कभी भी एक सिक्योरिटी का उसी सिक्योरिटी के साथ क्या निकालना है, एक सिक्योरिटी का उसी सिक्योरिटी के साथ कोवेरियंस निकालना है तो ये हमेशा वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी के बराबर होगा. कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटीज by using beta value, beta हमारा second part का part है, हालांकि capital market theory का, but beta से भी covariance निकाला जा सकता है. तो मैं formula यही लिख देता हूं और beta को हम detail में discuss करेंगे इसी chapter के आगे वाले part में. तो अगर आपको beta की सहायता से covariance निकालना है कोवेरियंस इज इक्वल टू बीटा ऑफ ए सिक्योरिटी इंटू बीटा ऑफ बी सिक्योरिटी इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, तो इससे आपके पास कोवेरियंस आ जाएगा. अगर आपको कोवेरियंस निकालना है बाय यूजिंग बीटा वैल्यू, तो आपके पास बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी और इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट. आप इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, कोवेरियंस निकाल सकते हैं. क्या चीज? हाँ, ये कोवेरियंस इस फॉर्मूले से रिप्लेस हो गया ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट रूल लिख दिया कि अगर ए का ए से निकालोगे तो वो हमेशा वेरिएंस ही आएगा. ये वेरिएंस का ही फॉर्मूला बना ना. अगर अंडर रूट लगा दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, तो अंडर रूट हटा दिया तो ये वेरिएंस बन जाता है. तो ये दो और फॉर्मूले हैं कोवेरिएंस निकालने के. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट वन, यानी हमारा जो हैरी मार्कोविच का पूरा ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी थी, उसमें इसने इतनी बातें आपको बोली थी. एंड अब हैरी मार्कोविच ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, कोवेरियंस मैट्रिक्स अप्रोच. फॉर्मूले के बजाय एक और अप्रोच उसने दी, विच इज कॉल्ड एज
कोवेरियंस मैट्रिक्स अप्रोच, तो लिखें टॉपिक कोवेरियंस मैट्रिक्स अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कोवेरियंस मैट्रिक्स अप्रोच. देखिएगा कोवेरियंस रिटर्न मैट्रिक्स आपको दो पार्ट में मैं ये मैट्रिक्स बनवाता हूं. देखिए मान लीजिए अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट थ्री सिक्योरिटीज ए बी एंड सी. कोवेरियंस रिटर्न मैट्रिक्स ए बी. देखिए नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे हर सिक्योरिटी का दूसरे के साथ क्या निकालना है, कोवेरियंस निकालना है. तो अगर हम रिटर्न्स के बीच में कोवेरियंस निकालेंगे तो वो कोवेरियंस बिटवीन द रिटर्न्स हो गया, और उसी मैट्रिक्स को जब मैं इस मैट्रिक्स के फॉर्म में रखूंगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज कोवेरियंस रिटर्न मैट्रिक्स. ध्यान से देखना, अगर मैं कोवेरियंस निकालूंगा ए का ए के साथ, अभी हमने रूल डेवलप किया था, अगर ए का ए के साथ क्या निकालोगे, कोवेरियंस निकालोगे, तो ये हर हालत में वेरियंस ऑफ ए के बराबर आ जाएगा. अगर ए का बी के साथ निकालना है तो इट विल बी कॉल्ड कोवेरियंस बिटवीन ए बी. अगर ए का सी के साथ निकालोगे तो दिस विल बी कॉल्ड कोवेरियंस ए सी. बी का ए के साथ निकालोगे तो कोवेरियंस ए बी. बी का बी के साथ निकालोगे तो वेरियंस ऑफ बी बन जाएगा ये. बी का सी के साथ निकालोगे तो कोवेरियंस बी सी. चलो आगे, तो कोवेरियंस ए सी, कोवेरियंस बी सी और वेरियंस ऑफ सी, दिस विल बी कॉल्ड एज रिटर्न मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड एज कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटीज. तो जिसको हम कहते हैं कोवेरियंस रिटर्न मैट्रिक्स. नाउ इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इंटू द कोवेरियंस रिस्क मैट्रिक्स. ये तो कौन सी मैट्रिक्स है, ओनली रिटर्न मैट्रिक्स है ये आपकी. अब अगर मैं क्या कर दूंगा, इनको रिस्क मैट्रिक्स में ले जाना है, तो देखिए कोवेरियंस रिस्क मैट्रिक्स. वापस से मैं जरा बात करता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है. ये ए है, ये बी है और ये देखिएगा, इसको मैंने डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, इनके वेट हो गए डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी. इसी तरह से इसका वेट डब्ल्यू ए, इधर भी आ गया डब्ल्यू बी और ये आ गया डब्ल्यू सी. नाउ ध्यान से सुनना, अंडर द रिटर्न मैट्रिक्स इफ वी इंट्रोड्यूस द वेट्स,
तो नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू रिस्क मैट्रिक्स. यानी देखो, ए का ए के साथ कोवेरियंस निकाला था तो ये आया था. अब इनके साथ वेट अटैच कर दो, तो इसका वेट डब्ल्यू ए, इसका वेट डब्ल्यू ए, तो इंटू डब्ल्यू ए और इंटू डब्ल्यू ए. सिर्फ वेट मल्टीप्लाई कर रहा हूं. इसका इसके साथ कोवेरियंस क्या निकाला था आपने, कोवेरियंस ए बी. अब इस वाले सेल में इधर तो चल रहा है इंटू डब्ल्यू ए और इधर चलेगा इंटू डब्ल्यू बी. सिर्फ वेट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. उधर बताओ, ए से सी का कोवेरियंस क्या निकाला था, कोवेरियंस ए सी देन डब्ल्यू ए और डब्ल्यू सी. लाइए बी और ए के बीच में कोवेरियंस ए बी, फिर वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी. यहां पर था वेरियंस ऑफ बी, फिर डब्ल्यू बी और डब्ल्यू बी. बी और सी के बीच में कोवेरियंस बी और सी, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ. रिटर्न मैट्रिक्स में मैं वेट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक बार बस. ये बना कोवेरियंस ए सी, वेट ऑफ ए और वेट ऑफ सी. कोवेरियंस बी और सी, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी. स्टैंडर्ड डेविएशन सी स्क्वायर यानी वेरियंस इंटू वेट ऑफ सी और वेट ऑफ सी. ठीक है तक? क्या आपको ऐसा लगता है वेट ऑफ ए और वेट ऑफ ए को मैं हटा के वेट ऑफ ए का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत? ये मैंने सिर्फ वेट से मल्टीप्लाई किया. नाउ वी रिप्लेस सम वैल्यूज. तो मैं ये बोल रहा हूं यहां पर वेट ए और वेट ए दो बार है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ए का स्क्वायर. तो मैं इसको हटा दूं एक बार यहां से. तो देखो, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये यहां पर मेरे पास आ गया डब्ल्यू ए स्क्वायर. क्या ऐसा ही यहां भी हो सकता है, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ बी दो बार है, तो इसकी जगह पर मैं इसके नीचे आप लिख सकते हो, मैं इसकी जगह पर क्या रख सकता हूं, इनटू वेट ऑफ बी स्क्वायर. इसी तरह से यहां पर वेट ऑफ सी और वेट ऑफ सी को हटाकर क्या लिख सकता हूं, ठीक है यहां तक? चलिए मुझे एक बार बताओ, हमारा जो थ्री रिस्की एसेट का फॉर्मूला था वो क्या था? देखना, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए स्क्वायर और वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर और वेट ऑफ बी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी स्क्वायर वेट ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए बी. प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन सी वेट ए वेट सी कोरिलेशन बिटवीन ए सी स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्टैंडर्ड डेविएशन सी क्या यही आपका थ्री सिक्योरिटी का फॉर्मूला? नाउ अब आप ध्यान से देखें, दिस मैट्रिक्स प्रोवाइड द सेम रिजल्ट. देखना बिल्कुल ध्यान से,
The factor number one is this standard deviation a square weight a. Factor number two and factor number three, ये तीनों factor आपको इस matrix में मिल जाएंगे. This is your factor number one, factor number two and factor number three. तीनों आपके पास इस matrix में अवेलेबल हैं. तो ये तीन factors तो मेरे पास matrix में इस तरह से represent हो गए. Now दिस फॉर्मूला इधर देखेंगे ध्यान से. अगर मैं ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू आर बिटवीन ए बी को चाहूं तो कोवेरियंस ए बी लिख सकता हूं. आप आर का फॉर्मूला देख सकते हैं. अगर आपको आर निकालना है तो लीजिए आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ए बी, ये निकलेगा आर ए और बी के बीच में, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी. यही फॉर्मूला होता है आर का. तो अगर मैं आर ए बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी को चाहूं तो कोवेरियंस ए बी लिख सकता हूं. नाउ अब यहां से ये फैक्टर हटा, टू है और साथ में वेट ए और वेट बी, तो वेट ए और वेट बी पूरी मैट्रिक्स को एनालाइज करें. अभी हमारे सीए फाइनल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं पूरी मैट्रिक्स पर बेस्ड. तो अब देखो टू ये फॉर्मूला, ये फैक्टर इस तरह से रिप्लेस हो गया. दैट मींस टू टाइम्स ऑफ कोवेरियंस वेट ए और वेट बी. तो आप देख लें आपकी मैट्रिक्स में कोवेरियंस ए बी इंटू वेट ए इंटू वेट बी दो बार होगा. कोवेरियंस ए बी एक बार ये रहा और कोवेरियंस ए बी एक बार ये रहा. तो फॉर्मूले में इसी चीज को इन्होंने टू कोवेरियंस ए बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी से रिप्लेस कर दिया. तो ये जो फॉर्मूले का सेकेंड पार्ट है ये ऐसे लिखा जा सकता है और इसको आप अपनी मैट्रिक्स में मैच कर सकते हो. ये दो बार आ गया, एक बार यहां पर आ गया और एक बार यहां पर आ गया. ठीक इसी तरह से क्या आपको लग रहा है आपकी ये भी वैल्यूज रिप्लेस होंगी. अब ये वैल्यू कैसे लिख सकते हो, टू कोवेरियंस बिटवीन ए सी और वेट ए और वेट सी, यानी ये फैक्टर भी दो बार होगा इसीलिए मल्टीप्लाई बाय टू चल रहा है. आप अपनी मैट्रिक्स में देख लो आपके पास ये जो पोर्शन है ये दो बार होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये दो बार होगा, एक बार ए और सी और एक बार सी और ए. इसी तरह से ये फैक्टर भी इसी तरह से बना, टू कोवेरियंस बी सी वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी, इसमें भी ये फैक्टर दो बार होगा. तो यानी इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, ये जो पूरा फॉर्मूला है इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑल्सो और दिस विल बी कॉल्ड एज कोवेरियंस रिस्क मैट्रिक्स. और जानते हो आप जब इन नौ वैल्यू का टोटल करोगे ना तो वो आपके पास पोर्टफोलियो का वेरियंस आ जाएगा और जैसे ही उसका अंडर रूट निकालोगे आपके पास पोर्टफोलियो की रिस्क आ जाएगी. आप देख लो आप यहां पर भी इन सभी नौ वैल्यूज का टोटल ही कर रहे हो, सबके बीच में प्लस लगा हुआ है. तो इसी तरह से अगर आप इस मैट्रिक्स को बनाकर इन मैट्रिक्स की इन नौ वैल्यू का टोटल कर लेते हो तो वो जो नौ वैल्यूज का टोटल आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज पोर्टफोलियो वेरिएंस, यानी पोर्टफोलियो रिस्क इन स्क्वायर टर्म्स. तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, पोर्टफोलियो की रिस्क इन स्क्वायर टर्म्स आपके पास आ जाएगी. और इन नौ वैल्यू का टोटल करके उसका क्या निकाल दोगे, अंडर रूट, तो आपके पास पोर्टफोलियो की रिस्क. कई बार क्वेश्चन में हमें
पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी होगी और आर नहीं दिया हुआ होगा, उसके बजाय कोवेरियंस दिए हुए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने उसी चीज को प्रूव किया कि अगर आर गिवन ना हो तो आर की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, कोवेरियंस से भी मैं आंसर निकाल सकता हूं। आप देखो ध्यान से, मैंने इसमें केवल इसी चीज को प्रूव किया है कि अगर आर मेरे पास नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी थी और आर गिवन नहीं था, उसने क्या दिए सिक्योरिटी के बीच के कोवेरियंसेस दिए, कोई इशू नहीं है। कोवेरियंस अगर मुझे पता है तो ये आर बिटवीन ए बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और बी, इनको मिलाकर एक नाम दे सकता हूं कोवेरियंस। बोलो, पॉइंट आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? कि हैरी मार्कोविच ने इस फॉर्मूले को एक और प्रेजेंटेशन दिया मैट्रिक्स अप्रोच से। तो अगर आपको हैरी मार्कोविच के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी है तो दो अप्रोच हो गई, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच, और अगर फॉर्मूला अप्रोच का डेटा नहीं है तो वी कैन यूज द कोवेरियंस मैट्रिक्स अप्रोच। और कोवेरियंस मैट्रिक्स के दो पार्ट बनाए मैंने, इसीलिए पहले मैंने केवल रिटर्न मैट्रिक्स बनाई, ये केवल कोवेरियंस रिटर्न्स थी, रिटर्न के बीच में कोवेरियंस। और जैसे ही मैंने इसको वेट्स में इंट्रोड्यूस किया, मेरे पास अब ये उसी फॉर्मूले का एक रूप तैयार हो गया जो आपने अभी ऊपर रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो निकालने का फॉर्मूला यूज किया था। हाँ, ये इसके बराबर आ गया ना ऑटोमेटिकली भाई, टू कई जगह टू एज इट इज रहने दिया, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी को एज इट इज रहने दिया और वो टू टाइम्स हो गया। देन मैंने इस फैक्टर को उठाया, बस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इनटू कोरिलेशन, और उसको कोवेरियंस कह सकता हूं इस फॉर्मूले की वजह से। ये रहा हमारा फॉर्मूला, हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला यही तो होता है। तो अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोवेरियंस ए बी इज इक्वल टू आर बिटवीन ए बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड। ये हमारे पास एक और अलग है, इस फॉर्मूले को हमने इस तरह से यूज कर लिया। बोलिए, क्लियर है क्या ये पॉइंट यहां तक?